नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। तो क्लास चल रही है अपनी थ्योरी की, और थ्योरी की क्लास में अभी तक हम भारतीय कला के पुनरुत्थान तीसरे यूनिट पर आ चुके हैं, और यहां से जो शुरुआत होती है वो आधुनिक कला की शुरुआत होती है। और जो कलाकार हैं, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थी परंपरागत प्राचीन भारतीय शैलियां, तो वहां पर शैलियां चल रही थी, और अब जो शुरू हो रहा है वो हमारा आधुनिक काल शुरू हो रहा है, आधुनिक चित्रकला। अब आधुनिक चित्रकला में क्या बात थी वो हम देखेंगे। तो अभी तक जैसे आप शैली पढ़ रहे थे वहां पर शैली की एक विशेषता थी, जैसे आप राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं तो राजस्थानी शैली के कुछ विशेषताएं थी, उनके आधार पर सभी चित्रकार वैसे चित्र बना रहे थे, और मुगल शैली बन रही थी तो मुगल शैली की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके आधार पर चित्र बन रहे थे। लेकिन अब जो था वो ये हुआ था कि कला जो थी वो व्यक्तिवादी हो गई और कला में आधुनिकता आ गई। तो ये खास बात थी। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ कलाकारों को पहले देख लेते हैं, और फिर इसको जब आपको समझाऊंगा तो ये बात आपके समझ में आएगी कि किस तरह से कला में आधुनिकता आई। तो पहले हम कुछ कलाकारों को देख लेते हैं वो आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत। ये तीसरे यूनिट में अपने कुछ कलाकार हैं, यानी आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस में तीन यूनिट जो है वो तो है आपके भारतीय चित्रकला के, और दो यूनिट जो है वो है आपके मूर्ति कला के। तो अभी हम पहले थर्ड यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ कलाकारों का जो अपने सिलेबस में है उनको देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से कलाकार हैं, तो पहले मैं आपको कलाकारों का दे देता हूं जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से कलाकार आपको देखने हैं। सिलेबस में निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। इसमें आपके जो कलाकार हैं वो हैं, एक तो यामिनी रॉय बंगाल के थे, और अवनींद्रनाथ ठाकुर जिसके अभी अभी हमने पढ़ा, अवनींद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, और आपके फिर नंदलाल बसु, ये सब आपके थर्ड यूनिट में आएंगे। असित कुमार हालदार, और अमृता शेरगिल, और राजा रवि वर्मा। ये जितने भी कलाकार हैं उनमें अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो बेसिकली बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। बाकी ये जितने भी कलाकार हैं दूसरे, ये किसी शैली से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सबकी अपनी अपनी निजी विशेषताएं डेवलप हुई, और इन कलाकारों ने अपनी 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 एक निजी हस्ताक्षर शैली का विकास किया जो आधुनिक कला के अंतर्गत आते हैं ये कलाकार। इसी कारण तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो यामिनी राय की करेंगे। तो यामिनी राय को हम देखते हैं कि यामिनी राय का क्या कला कैसी थी, ये कैसा इनका पूरा डेवलप हुआ कला, यामिनी राय के बारे में हम बात करते हैं। यामिनी राय का जो समय है वो 1887 से लेके 1887 से लेके 1972 तक इनका समय है यामिनी राय का। ये बंगाल के थे, बंगाल से ताल्लुक रखते थे। यामिनी राय जो थे वो बहुत छोटे से जगह पर जन्म हुआ था इनका, और शुरुआती जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी वो यूरोपियन शैली से हुई थी। इनका जो अध्ययन इन्होंने किया था वो यूरोपियन शैली का अध्ययन इन्होंने कला का यूरोपियन कला का अध्ययन किया था, यानी उस पद्धति से इन्होंने अपनी प्रारंभिक कला या कला शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन ये जहां से बिलोंग करते थे वहां पर वो जो जिला था वो बांकुरा जिला कहलाता है बंगाल का,
उस बांकुड़ा जिले में जो संस्कृति थी उस संस्कृति ने इनको बहुत प्रभावित किया। पश्चिमी तेल चित्रण की पद्धति में इन्होंने दक्षता हासिल की और ये पोर्ट्रेट पेंटर थे। पोर्ट्रेट पेंटर मतलब किसी का भी व्यक्ति चित्र देखकर बना देना, ये इनके बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच में ये काम करते थे शुरू में। और यहाँ जो बात ये इम्पोर्टेंट थी कि इन्होंने अपनी कला शिक्षा तो यूरोपियन पद्धति से ग्रहण की और यूरोपियन पद्धति में शुरुआती दौर में इन्होंने काम भी किया, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसी अवस्था आई कि इन्होंने शुद्ध भारतीय संवेगों को पकड़ा, शुद्ध भारतीय कला तत्वों को पकड़ा और बिल्कुल अपनी एक निजी नवीन शैली का विकास किया। तो उनको हम देखते हैं कि क्या क्या ये बातें थी। ये बांकुड़ा जिले की जो बात है कि बांकुड़ा जिले में पैदा हुए थे तो वहां पर संथाल एक जाति है, उसके लोग ज्यादा थे, तो वहां उन संथाली जो कल्चर थी उसका इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। और एक जो बात थी वो कालीघाट, बंगाल में जगह है कालीघाट की, पट चित्रकला, उस पट चित्रकला का भी इनके कला पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। किसका? बंगाल की पट चित्रकला का। बंगाल की ये कालीघाट की पट चित्रकला कहलाती है, कालीघाट की पट चित्रकला, पट चित्रों का प्रभाव पड़ा किस पर? यामिनी राय पर, यामिनी राय की कला पर बंगाल की पट चित्र शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। ये वहां के आसपास के जो लोक कलाकार थे उनके संपर्क में आते थे, उनकी कलाओं को देखते थे। वहां पर टेराकोटा यानी कि पकाई हुई मिट्टी के जो खिलौने बनते थे, बंगाल में बहुत प्रचलन है इनका, तो वो खिलौनों का जो लोक शैली थी वहां की, वो इनके कला पर उसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो वहां पर जो मिट्टी के खिलौने बन रहे थे उनका आकर्षण जो था वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता था उनके तरफ। ये वहां के कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, पशुओं के प्रति इनका बहुत रुझान था और इसके धीरे धीरे इनकी चित्रकला में रुचि बढ़ती गई उसको देख देख कर। और इन्होंने फिर एक कला विद्यालय में प्रवेश लिया और कला विद्यालय में प्रवेश लेकर ये कला की शिक्षा इन्होंने यूरोपियन पद्धति से ग्रहण कर ली। विदेशी पद्धति से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी यामिनी राय जो है वो भारतीय कला इनके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट थी और ये उसको बड़ा इनको ये लगता था कि बंधन फील कर रहे थे ये यूरोपियन शैली में काम करने में। तो ये वैसे तो एक पोर्ट्रेट पेंटर बहुत छोटी उम्र में ये पोर्ट्रेट पेंटर के रूप में यानी 1900 समथिंग में, 1908 तक ये बड़े फेमस हो गए थे 21 साल की उम्र में पोर्ट्रेट पेंटर के रूप में, यानी हूबहू चित्रण करने के लिए बहुत फेमस हो गए थे, व्यक्ति चित्र बनाते थे। लेकिन लैंडस्केप भी बनाया इन्होंने, बहुत फोटोग्राफ, स्त्रियों के फोटोग्राफ से चित्र बनाते थे, तो ये काफी रियलिस्टिक काम ये कर रहे थे। लेकिन 1932 से ये 1936 तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के सहायक निदेशक भी रहे, यानी ये काफी अच्छी पढ़ाई करने के बाद में वहां पर सहायक निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर भी ये रहे। लेकिन इनको काफी अवार्ड्स वगैरह भी मिले। यामिनी राय की जो कला का जो आरंभ है वो बांकुड़ा जिले की जो लोक शैली थी, जो फोक आर्ट थी, उसका इनकी कला पर विशेष प्रभाव पड़ा था और इन्होंने उससे अपनी एक निजी शैली का विकास किया। अब वो जो विकास किया उसमें इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, इनके जो विषय थे वो बिल्कुल सामान्य जनजीवन से संबंधित विषय थे और शैली जो थी वो लोक कला के निकट थी। किसकी? लोक कला से प्रभावित थे। कौन? यामिनी राय लोक कला से प्रभावित, लोक कला से प्रभावित रहे यामिनी राय। कालीघाट की जो पटचित्रण पद्धति थी उसमें बिल्लियां, मछलियां, लोमड़ी, केकड़ा, हाथी, ऐसे जो जीव जंतु थे उनके चित्र इन्होंने काफी बनाए हैं और इसके अलावा फिर इन्होंने भारतीय चित्रों की तरफ अपना
भारतीय चित्रों को अपने चित्रों का विषय बनाया, भारतीय आख्यानों को, पुराणों को, धार्मिक कथाओं को इन्होंने अपने चित्रण का विषय बनाया। हालांकि इन्होंने ईसा के भी चित्र बनाए हैं, लेकिन उन सब में एक देशज, देशज सुगंध इनमें चित्रों में देखने को मिलती है। देशज सुगंध का मतलब है कि उनमें भारतीयता की झलक स्पष्ट देखने को मिलती है। ये बाद में इन्होंने वो तेल चित्रण पद्धति छोड़ करके, और आपके जो बारदाना आता है ना, बोरी जिसकी बनती है, उस टाट के कपड़े पर पीली मिट्टी या लाल मिट्टी का गेरू का लेप करके और उस पर खड़िया से इनसे चित्र बनाए इन्होंने। तो ये जो था, जैसे लोक कला में, जैसे आप लोगों ने राजस्थान में मांडने से, आप सभी ग्रामीण परिवेश के बच्चे परिचित हैं, तो जैसे मांडने में मोटी मोटी सफेद रेखाओं से चित्रण होता है, तो ऐसे मोटी मोटी रेखाओं से इन्होंने बिल्कुल लोक कला शैली के निकट चित्र बनाए। अब इनके चित्रों के जो विषय थे वो कैसे थे कि रामायण, रामायण, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला और रामायण कृष्ण लीला, इसके अलावा ईसा मसीह के भी इन्होंने चित्र बनाए हैं कुछ। तो इस तरह के जो भारतीय आख्यान है, पौराणिक वो आख्यान है, इनके इन्होंने चित्र बनाए। और मैं आपको कुछ चित्र इसके दिखाता हूँ कि किस तरह के इनके चित्र थे। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इनको दिखाता हूँ आपको। तो यामिनी राय जो है, उसकी मैं पेंटिंग आपको दिखाता हूँ। ये यामिनी राय का चित्र का इस तरह के इन्होंने चित्र बनाए, देखेंगे आप बिल्कुल बहुत सिंप्लीफाइड ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में यामिनी राय की ये चित्र हैं। ये आप देखिए, और भी चित्र मैं आपको दिखाता हूँ यामिनी राय के। ये इस तरह के रेखांकन, हम बात कर रहे थे ईसा मसीह की, तो ईसा के इस तरह के इन्होंने चित्र बनाए। ये देखिए, ये कालीघाट की जो पट चित्रकला है, वो ये कालीघाट की पट चित्रकला है, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए थे। हम इस बुक से इनके रेखांकन, ये आप एक रेखांकन देखिए काले इनका, यामिनी राय का, ये इनके साइन है यामिनी राय के। कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म्स, ये लोक कला शैली जो बहुत सरल सहज होती है, ऐसी कला शैली का ये कालीघाट की पट चित्रकला है, कृष्ण लीला का पट है। शुरू में ये ऑयल पेंटिंग इस तरह से बना रहे थे, रियलिस्टिक लैंडस्केप्स, स्ट्रीटस्केप्स, ये भू दृश्य इन्होंने बनाए। लेकिन बाद में इन्होंने जो अपनी, जैसे ये रामायण का एक चित्र है जिसमें राम कृष्ण सॉरी राम लक्ष्मण और सीता, वो हिरण का, सुनहरे हिरण का जो दृश्य है वो इन्होंने बनाया है। यहाँ पर देखिए माता और का जो चित्र बनाया, कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म इन्होंने बनाया है। तो ये इनकी मुख्य विशेषता थी सिंप्लीफिकेशन, लोक कला शैली की मुख्य विशेषता है वो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, वो इनकी कला में आया। ये देखिए आप, ईसा मसीह को सूली से उतार कर गोद में लिटाना, तो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन्होंने बनाया लोक कला। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी बहुत सिंपल फॉर्म्स इनके हैं यामिनी राय के। ये देखिए आप, कितना सिंपल, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है। रेखा देखिए कितनी मोटी और बिल्कुल सपाट रंगांकन। तो ये भारतीय कला की वो विशेषताएं हैं कि छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं करना, मोटी रेखाओं का अंकन करना, सपाट रंगांकन और अपनी एक निजी शैली का विकास करना। यामिनी राय की कला देखते ही आप एकदम से पहचान जाएंगे कि ये उनका हस्ताक्षर है, एक तरह से सिग्नेचर स्टाइल है ये उनका। ये देखिए आप किस तरह से इन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में घोड़ा, घर, ये लघु चित्र शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत कहीं कहीं, लोक कला शैली के सबसे आगे कट है। ये देखिए आप कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3 महिलाओं की आकृतियां इन्होंने बनाई है एक पेंटिंग में, बहुत ही सुंदर काम इनका था। ये देखिए, जिसको अभी हमने बाहर आवक इसके उस पर देखा था चित्र को, आवरण पर, कवर पर, वही चित्र है। ये देखिए आप कृष्ण का बांसुरी बजाते हैं, लेकिन कृष्ण का कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म इन्होंने बनाया। तो ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये वो यथार्थवादिता को छोड़कर, ये किसी मॉडल को देख के आप नहीं बना सकते, इसको आपको अपने मन में इसका वो लेना पड़ता है, तभी जाके आप देखिए गाय जो बनाई है कितनी सिंप्लीफाइड, लेकिन गाय आपको गाय नजर आएगी, ऐसा नहीं है कि गाय गाय ना लगे, ये सिंप्लीफिकेशन है। ये देखिए कितनी लाइन में कितनी रिदम है, ये बहुत कॉन्फिडेंट। ये वो दृश्य है जिसमें कृष्ण जो है वो लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, कि उनके वस्त्र लेकर चले गए हैं पेड़ के ऊपर। ये देखिए कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म,
ये टाट पर पीली मिट्टी पोत कर उस पर चित्रण करना, ये इनका मतलब बिल्कुल देशज वस्तुओं का, देशज माध्यमों का प्रयोग। ये देखिए ईसा और क्रॉस, तो इन्होंने इस तरह के चित्र बनाए। ये इनकी शैली है, बंगाल की पटचित्रकला से प्रभावित, बिल्कुल इनको आप स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं इस चित्र में। तो ये जो इन्होंने बनाए ये चित्र यामिनी राय के चित्र हैं। तो ये यामिनी राय की खास बात थी कि इन्होंने बहुत सरलीकरण, इनकी कला में जो था वो क्या था, सरलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट था। सरलीकरण, लोक कला की सादगी, लोक कला जैसी सादगी और देशज माध्यमों का प्रयोग। देशज माध्यम मतलब जो सहज सुलभ थे, देशज माध्यमों का प्रयोग, देशज माध्यमों का प्रयोग, ये इनकी खास बात थी। और सीमित रंग योजना, सीमित रंग योजना, अमिश्रित रंग, अमिश्रित रंग, मोटी रेखाओं से आबद्ध चित्र, मोटी रेखाओं से आबद्ध यानी मोटी मोटी रेखाओं में रूप जो है वो बंधे हुए आबद्ध चित्र। तो ये इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो बिल्कुल लोक कला के निकट आपको नजर आती है, लेकिन इनको देखने से आपको एकदम से एक ही बार में किसी भी चित्र को देखकर आप पहचान सकते हैं कि यामिनी राय का चित्र है। तो ये वो यामिनी राय थे जिन्होंने भारतीय कला के महत्व को समझा, और यूरोपियन पद्धति से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी ये पूर्ण रूप से भारतीय देशज मूल्यों की ओर मुड़े और भारतीय कला में एक मील का पत्थर इन्होंने रखा, और इसीलिए इनको भारतीय कला का एक मुख्य कलाकार, आधुनिक भारतीय कला के मुख्य कलाकार के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये यामिनी राय थे जिसके बारे में अभी हमने चित्रों के बारे में बात की। आप बुक से एक बार पढ़िए, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बहुत एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, एक विस्तार से आपको समझाने का प्रयास है। मैं किताब से देख के या किताब में से आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किताब की लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उसकी कला के बारे में एक जानकारी दे रहा हूँ। बाकी आपको तथ्यात्मक जानकारी जो है वो डाटा जो है वो आपको बुक्स में मिल जाएगा, तथ्यात्मक जानकारी, लेकिन आप इसको समझ लें कि इसमें क्या खास बात थी। तो ये बात अपनी हुई यामिनी राय के बारे में, अब आप इसको पढ़ें और समझें। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कलाकार के बारे में बात करेंगे।